अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOPSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम बैच 3 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था किस तरीके से आप कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल लूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई कर चुके हैं और आपने स्पेशली सर सैयद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वो आप जाके इस वीडियो को देख के अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग से मैंने क्यों वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने अपना फॉर्म पोस्ट किया है, तो आप जाके प्राइवेटली इनके फॉर्म में जाके अप्लाई कर दें, ताकि आप लोगों को चांसेस ज़्यादा हो जाए सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। ठीक है, तो आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि आप लोग को एक अपडेट के बारे में दिखा दूं। कि अपडेट यह है कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का भी इसमें कोर्स है, इससे पहले ये कोर्स नहीं था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और दूसरा ये कि एपटेक ये कोर्स आपको करवा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर, देख सकते हैं एपटेक की वेबसाइट खुली हुई है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में समझाया था, आपने इसी वेबसाइट खोलनी है और आपने इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। आप देखें इस फॉर्म में भी कोई अपडेट हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपडेट वीडियो बना दी जाए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। क्योंकि लोग पुरानी वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा फॉर्म चेंज होगा, थोड़े से मसले मसाले होंगे, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो बना दी जाए अपडेट्स की। एक तो अपडेट्स ये है कि इसमें थोड़ा फॉर्म चेंज किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंप्लेन वगैरह जारी होगी, तो उन्होंने फॉर्म चेंज किया। और दूसरा ये कि एपटेक के बारे में, कि एपटेक जो है आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ऑफर कर रहा है। तो ये देखिए आपका फॉर्म है, ठीक है, और ये आप डाउनलोड फॉर्म है। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पे, देखिए जाके चेक कर सकते हैं फेसबुक पे एपटेक ने अपना पोस्ट किया हुआ है कि एपटेक जो है वो 6 महीने का एपटेक के जरिए फ्री ऑफ करवा रहा है। इसमें से कोर्सेज हैं उसका SEO, डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO, IoT, एडवांस पाइथन और ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। ये कोर्स जो है सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट करना चाहते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं, वैसे सारे होते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत चल रहा है, तो इस वजह से इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने शर्त रखा है आप इसको ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते, आपने फॉर्म सबमिशन करवाना है टाइमिंग 10 AM से लेकर 6 PM तक। ये उसको एड्रेस दिया हुआ है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और लिखा हुआ है लिमिटेड सीट्स ओनली, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल नहीं करना है, और टेक्निकली आप लोगों ने फॉर्म सबमिशन करवाना होगा इनके एड्रेस पर जाके, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों पॉलिसी क्या है, इनके बारे में मैसेज किया, रिप्लाई आता है तो मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं बैच 3 मुफ्त तक लगेगा ऐलान, ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने फॉर्म कौन सा जमा करवाना है, तो आप ये देखें वेबसाइट पर गया, आपने अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म, जहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें और जहाँ से आप डाउनलोड भी फॉर्म कर लें, ठीक है। जहाँ से आप उसको डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म फिल करें और जाके एपटेक में जाकर जमा करवा दें, ठीक है। अपन चलते हैं ऑनलाइन, एपटेक में SEO में अप्लाई किया था, तो मैं अब ट्राई करता हूँ अमेज़ॉन में वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आपने ऊपर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, NSE वगैरह, ठीक है, उसका बताएं। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, आप लोगों ने लास्ट एजुकेशन क्या किया है, वहाँ पे लास्ट फॉर्म में आपसे डेट नहीं पूछी गई थी, यहाँ पे आप लोगों से डेट पूछी गई है। तो डेट जो है आप मार्कशीट खोलेंगे अपनी और मार्कशीट के सबसे लास्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपकी डेट लिखी होगी पास आउट, ठीक है। आप इस तरीके से करने का पता कर देना है, एड रिकॉर्ड के बाद यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ ऐड की है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका, ठीक है ना, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं, और अगर वो ज़रूर कह रहे हैं एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप कुछ भी डाल दें इसके अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, देखें ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखें, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कराची ईस्ट, वो इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसी एरिया में जो है वो आपका अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले यहाँ उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट में जाके मैंने सेलेक्ट किया कराची ईस्ट, ये है पहला फर्स्ट प्रेफरेंस, ये है सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। पहले ऑप्शन में मुझे चाहिए यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन में मुझे चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या ट्रेड में, आप देखें यहाँ पे इन्होंने पहले इंस्टीट्यूट था, फिर ट्रेड था, अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया पहले ट्रेड। तो पहले ट्रेड में आप देखें यहाँ पे ए टाइप करें, अमेज़ॉन AMA, देखें अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स आ गया। पहले आप इंस्टीट्यूट का नाम डालते थे, फिर आप उसमें कोर्स सेलेक्ट करते थे। अब आप जो भी कोर्स डालेंगे वो आपका इंस्टीट्यूट आगे शो कर देगा। लेट्स सपोज मैंने डाला अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, क्लिक किया, आप जिस यूनिवर्सिटी में अमेज़ॉन का कोर्स हो रहा होगा वो वहाँ पे शो कर देगा आपको। देखिए सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कराची ईस्ट के अंदर जिसमें आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का कोर्स करवाया जा रहा है। तो पहला प्रेफरेंस क्या है मेरा, पहला प्रेफरेंस मेरा ये है एपटेक, मैंने एपटेक में डाल लिया और सेम में नीचे गया, अमेज़ॉन लिखा मैंने
अमेजाला मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों में से किसी एक में भी अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का नाम आ जाए भेजा रहे। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की, यहाँ पे आपको ऐड की है पिक्चर डाल ली, मैंने यहाँ पिक्चर डाल ली है। अब आगे वही है, हाफिज़ कुरान है, स्पोर्ट्स मैन है, डिसेबल है, अदर एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको मैं फिल नहीं कर रहा, अब मैं करता हूँ सेफ रिकॉर्ड फिल, उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, सून यू विल बी नोटिफाई अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट अस, नंबर भी दिया हुआ है आपको और टाइमिंग भी दी हुई है। पहले आप फॉर्म फिल करते थे तो नीचे ग्रीन कलर का हाईलाइट बना हुआ आ जाता था, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी, कमेंट्स में भी लोगों ने की शिकायत की थी कि फॉर्म फिल हुआ नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा उन्होंने अपडेट किया और काफ़ी इस बार अच्छा किया, इसमें बगैर मैसेज भी आ रहा है आप लोग को पॉपअप, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करता हूँ गो बैक टू होम, यहाँ पर देखें मैं फ्रंट पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी नई वीडियो है वो आप लोग टाइम पर मिल सके, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।